ऐसा है, देखो ऐसा है, ए! कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। कहे कि हमको अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं है, हम जहां भी जाते हैं हमसे पहले हमारी पहचान वहां पहुंच जाती है। और ये पहचान ऐसे ही नहीं बनती है, साम दाम दंड भेद ये सारा खेल आता हो तब जाकर बनती है पहचान। कोई भी सुख वाला आदमी हो, कहीं का भी लाट हो, गवर्नर हो, कलेक्ट्रेट हो, जब हम उस तालाब सड़क बिजली का टेंडर के लिए मना करते हैं तब जाकर किसी और को मिलता है वो टेंडर। आ समझे, इसे कहते हैं पहचान। और ये पहचान ऐसे ही नहीं बनती, कोई भी सरकारी दफ्तर हो, सरकारी बाबू हो, कितना भी बड़ा व्यापारी हो, सब अपने आदमी, सब जगह टाइम से पहुंच जाता है। पैसा फेंको तमाशा देखो। हाँ, कहे कि हम बुरे आदमी नहीं हैं, हम निर्दयी नहीं हैं, हमरा तो बस जिंदगी में एक ही बात मानना है, जान से ज्यादा जुबान की कीमत होती है। और जुबान बिकाऊ है, पैसा फेंको और तमाशा देखो बस। लेकिन हाँ, ससुर जिंदगी में एक ही परेशानी है, ये आजकल जो महिला सशक्तिकरण की बात चल रही है, महिला अधिकारों की बात चल रही है कि महिला को ई मिलना चाहिए, महिला को वो मिलना चाहिए, अरे का आज से पहले इन औरतन को अधिकार नहीं मिले थे का? क्या इन अधिकारों के बिना जिंदा रही हैं ये औरतन? सब ढकोसला है, सब झूठ है, मक्कारी है। एक बात कान खोल के सुन लो तुम लोग, ये पैरन की जूतियन को सिर पर बांध देने से कोई सिर का ताज नहीं बन जाती है, समझे? जिंदगी भर चौका करने वाली औरतें, घर में चूल्हा चौका करके अपनी जिंदगी बसर करने वाली औरतों को अगर बड़े पद पर दे दो तो वो बड़ी अधिकारी नहीं बन जाती हैं, पैरों की जूती ही रहती हैं। तो क्या हम लोग ये बकरी को घोड़ों की रेस में दौड़ा दें? नहीं, कतई नहीं। ये बकरी को तो बस गर्दन में खूंटा बांध के बस दीवार पे खड़ा करो, बस वहीं मिमियाए, वहीं टट्टी करे, पेशाब करे, बस भीगी बिल्ली बनी रहे और बस दूध देते रहे। यही है औकात इन औरतन की बस। पर हम भी बस यही नियम पर चलते हैं। अगर कोई औरत हमारे सामने सीना जोरी करे वो हमको कतई बर्दाश्त नहीं। हमने कहा ना, हम निर्दयी नहीं हैं, लेकिन बस इसी जगह पर हम निर्दयी बन जाते हैं। औरतें पैरों की जूती है जूती, सर का ताज नहीं और कभी नहीं बन सकती। चलते हैं, नाम याद रखना, चौधरी कांतिलाल। राम जी की।